अबे नहीं यार, ये हमारे घर में वुल्फ कहाँ से आ गया? गाइस यार, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे घर के आसपास तो कोई जंगल भी नहीं है। दूर रहो मुझसे। फ्रैंकलिन डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने आया हूँ। एक मिनट, कैसी मदद? पहले तुम्हें असली दुनिया में आना होगा। यहाँ तुम मेरी मदद कैसे करोगे? एक मिनट, असली दुनिया मतलब? तुम अभी सपने में हो, तुम्हें आके मुझसे मिलना होगा। एक मिनट, पर मैं तुमसे मिलूंगा कहाँ पर? मैंने तो तुम्हें देखा भी पहली बार है। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम मुझे ढूंढ ही लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। अरे यार, ये कैसा अजीबोगरीब सपना है। वही पर रुको, हिलो मत। ये लो। आउच। ओ गाइस, ये तो सच्ची में सपना था, पर मेरा पैर इतनी जोर से क्यों दुख रहा है? अबे यार, मेरे पैर पे तो निशान है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो सपना देख रहा था, उसने सपने में मुझे पंजा मारा था, तो असली दुनिया में स्क्रैच कैसे आए? कहीं ये शिनचैन और चॉप की तो कोई शरारत नहीं? अभी जाके उनसे पूछ लेता हूँ। पर नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? वो सपना तो एकदम असली लग रहा था। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शिनचैन, चॉप, कहाँ पर हो? सच्ची सच्ची बताओ, मेरे पैर पे ये निशान कहाँ से आया? अरे कौन सा निशान, ये क्या बोल रही हो आप? ये देख, कितनी जोर से किसी ने नाखून मारा, ऐसा लग रहा है। चॉप, ये तूने तो नहीं किया? अरे पागल हो गए हो क्या, ये सब काम मेरे नहीं है। इसका मतलब वो सपना सच था। मुझे पता है शिनचैन, मेरे सपने में एक वुल्फ आया था, उसने मुझे नाखून मारे, और जब मैं नींद से उठा तो मेरे पैर पर वो निशान थे। अरे पागल हो गए हो क्या फ्रैंकलिन भैया, ऐसा थोड़ी ना होता है। सपना तो सपना ही होता है, और हकीकत हकीकत। अरे यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पैर पे ये निशान देख ले, वो भी कितने खतरनाक तरीके से मारा है। अरे बापरे, आप तो एकदम सही बोल रही हो। अरे जरा न्यूज देखो, से सोना है तो जाग जाओ, अगर जू घूमने आए हो तो भाग जाओ, क्योंकि लॉस सेंटोस के जू में एक वुल्फ हो चुका है। पागल, वो कई देर से जोर जोर से चिल्ला रहा था, उसके बाद अचानक से कहीं गायब हो गया। लोग कह रहे हैं कि वो अभी भी जू में ही है, तो जहाँ पर भी हो सतर्क रहो, सावधान रहो। अबे यार, इसका मतलब वो वुल्फ एकदम सही बोल रहा था। शिनचैन, उसने मुझसे कहा था कि मुझसे आके बात करना, और जब मैंने उससे पूछा कि मैं तुमसे मिलूंगा कहाँ पर, तो उसने मुझे कहा था कि तुम मुझे ढूंढ लोगे, मुझे विश्वास है। मुझे लगता है मैं जू जाके चेक करना चाहिए। अरे पर परवर, मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी जल्दी मेरे पीछे आ जाओ। गाइस यार, ये सब बहुत ही अजीबोगरीब होता जा रहा है। फ्रैंकलिन भैया, ये कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? आपको एक सपने में वुल्फ आता है और आप उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हो। चॉप, ये कोई नॉर्मल सपना नहीं था, पक्का कुछ तो वजह है जो वुल्फ मेरे सपने में आया था। आपके सपने में बस जानवर ही आ सकते है और कुछ भी नहीं। तो तू क्या चाहता है, मेरे सपने में क्या है? अरे ये सब छोड़ो, देखो हम लोग पहुँच गए। चॉप, हमको भी दिखाई देता है। चलो गाइस, जल्दी से गाड़ी को पार्क करते हैं, अब उतरो फटाफट। देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी है, तो अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। हम तीनों एक साथ नहीं ढूंढेंगे, सब लोग अलग अलग जगह पर जाओगे, और जिस किसी को वो वुल्फ दिखाई देगा वो हमें आवाज दे देना। अच्छा ठीक है, मुझे तो डर है कि यहाँ कोई मुझे पकड़ के जेल में न डाल दे। अरे नहीं चॉप, तुम्हारी शक्ल से दिखता है कि तुम कोई जंगली जानवर नहीं हो। हाँ हाँ, अभी बकवास बंद करो, चलो चलते हैं। गाइस यार, यहाँ तो एक से एक जानवर है। ओहो, ये मंकी को तो देखो कितनी शांत खड़ा है। यहाँ पर सुअर भी है, ये सारे के सारे जंगली है गाइस। पर हमें तो तलाश है उस वुल्फ की, वो पता नहीं कहाँ पर होगा। यहाँ तो ऊंट वगैरह ही दिखाई दे रहे हैं यार, और कुछ भी नहीं है क्या? कोई नहीं, हम तलाश जारी रखेंगे जब तक वो मिल नहीं जाता मुझे, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि वो यही कहीं पर होना चाहिए। यहाँ तो गाय है, ये बंदर है कि इंसान है इतना बड़ा? चलो छोड़ो अपने को, क्या जिस काम के लिए आए उस काम को करते हैं। अरे यार, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, उस साइड जाकर देखता हूँ। ए इधर ही रुक जा, कहाँ जा रहा है? और तू अपने केज से बाहर कैसे निकला? चल वापस अंदर जा। अरे नहीं नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हो, मैं तो एक पालतू जानवर हूँ, मेरे मालिक के साथ आया हूँ, मैं कोई वाइल्ड एनिमल नहीं हूँ। अच्छा ऐसी बात है, पहले बोलने का ना। ठीक है काम करता हूँ, मैं यहीं से चला जाता हूँ। अरे यार, पता नहीं वो वुल्फ कहाँ पर होगा। एक मिनट, वहाँ सामने देखो, मुझे लगता है ये वही वुल्फ है जिसकी बात फ्रैंकलिन भैया कर रहे थे। ये तो बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। एक काम करता हूँ, जल्दी से बुलाता हूँ सबको। फ्रैंकलिन भैया, चॉप, जल्दी से आओ, मुझे शायद वो वुल्फ मिल गया है। ओ भाई साहब, ये तो सेम टू सेम मेरे सपने वाला वुल्फ ही है, अब सच का पता चल जाएगा। गाइस, मैं जो सोच रहा था वो सही है या गलत? हेलो फ्रैंकलिन, मैं असली हूँ, मुझे पता था तुम मुझे ढूंढ लोगे। देखा देखा शिनचैन, मैं एकदम सही बोल रहा था, ये मुझसे बात कर रहा है। अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुम्हें मेरा एक बहुत जरूरी काम करना होगा। हाँ उसके लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ, बता दो कौन से काम की बात कर रहे हो तुम। अरे पर ये आपके सपने में ही क्यों आया, और इसने आपको सपने में नाखून क्यों मारे? अभी भी तो मार सकता था ना। नहीं, अगर वो नाखून नहीं मारता तो फ्रैंकलिन भैया को भरोसा ही नहीं होता कि ये
बात असली है, उनको लगता है ये सपना ही है बस। वाह यार चौप, तूने तो समझदारी की बात कर दी। अच्छा अभी बताओ जल्दी से काम क्या है, नहीं तो और टाइम पास होगा। दरअसल मेरी पत्नी को एक चाइनीज मॉन्स्टर उठा ले गया है और मैं बेबस हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। मुझ में उतनी ताकत नहीं कि मैं उसे हरा सकूं। तुम्हें उसे जाकर छुड़ाना होगा, वो उसे कैसल में लेकर गया है। क्या बात कर रहा है, अरे तुम्हारी शादी भी हो गई? हाँ तो क्या शिनचैन जानवरों की शादी नहीं हो सकती क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। मेरी बात सुनो, वो बहुत खतरनाक है, तुम्हें उसे हराने के लिए पहले उसे लड़ना सीखना होगा। उसे कुंग फू कराटे आते हैं। अरे यार अब मैं कुंग फू कराटे कहाँ से सीखूं? वैसे एक बात बताओ, ये जो तुमने नाखून मारे हैं ये ठीक तो हो जाएंगे ना? नहीं, मैंने तुम्हें नाखून इसलिए मारे हैं ताकि मैं तुम्हें पावर दे सकूं, इससे तुम्हें वुल्फ की पावर आ जाएगी। ओके अच्छा ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। गाइस यार अब ऐसा आदमी कहाँ से ढूंढूं जिसको कुंग फू कराटे आते हो। अरे फ्रैंकलिन भैया एक काम करो ना, टोनी भैया को फोन करो। शिनचैन यार, टोनी को कुंग फू कराटे कहाँ आते हैं? अरे उन्हें आते नहीं है, पर वो बता तो सकते हैं कि किसको आते हैं। अबे हाँ यार, ये चीज तो सोची नहीं मैंने, जल्दी से फोन करता हूँ। हाँ बोलो फ्रैंकलिन। टोनी मेरी बात सुन, तू किसी ऐसे को जानता है जिसको कुंग फू कराटे आते हो, जो मुझे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवा सके? मतलब कि अगर मुझे कुंग फू कराटे नहीं भी आएंगे चलेगा, पर एक बार मुझे आइडिया तो लग जाएगा। हाँ वैसे मैं एक जन को जानता तो हूँ, शायद तुम भी उसे जानते होंगे, वो जैकी चैन है। क्या बात कर रहे हो तुम, जैकी चैन को जानते हो? हाँ मेरे कॉन्टेक्ट दूर दूर तक है, मैं तुम्हें उनकी लोकेशन देता हूँ। अरे यार जल्दी से भेज, मैं तो उनका फैन भी हूँ। अच्छा ठीक है अभी भेजता हूँ। गाइस यार फटाफट पहुँचते वहाँ पर, हम लोग जैकी चैन से मिलने जा रहे हैं, वो हमें ट्रेन करेंगे। अरे वाह क्या बात कर रहे हो जैकी चैन। चॉप तूने एकदम सही सुना। तो गाइस यार यहाँ से रास्ता तो खत्म हो जाता है, वो किसी छोटे से आइलैंड पर है, यहाँ से हमें बोट पकड़ कर जाना होगा। चलो बच्चा जल्दी से उतरो। ओ एक मिनट, ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो एक वेयरवुल्फ बन गया हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया आप तो पहले से भी गंदे दिखने लगे हो। एक मिनट तेरा मतलब क्या है? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि आप तो वुल्फ बन गए। सब समझता हुआ शिनचैन, में ये नाटक बाजिया ना कहीं और करना। एक तो यार मैं पता नहीं क्या बन गया, मुझे अलग टेंशन आ रहा है। अरे टेंशन मतलब, मुझे लगता है वो इसी पावर की बात कर रहा था, ये उसके नाखून मारने की वजह से हुआ होगा। हाँ यार चौप तो बोल तो एकदम सही रहा है। चलो अब चलते हैं यहाँ से, हमें बोट पकड़ कर जाना होगा। नसीब अच्छी हुई तो बोट मिल जाएगी, वरना इंतजार करना पड़ेगा। अरे यार अभी से ऐसा मत बोलो। चलो चलो गाइस जल्दी से चलते हैं, यहाँ कहीं बोट दिखाई दे रही है। चल है चौप आजा फटाफट। तो गाइस अब निकलते हैं फटाफट, हमें वहाँ सामने एक छोटे से आइलैंड पर जाना है जहाँ पर जैकी चैन हो सकता है। हाँ वो कहीं पर भी हो सकते है। चलो फाइनली पहुँच गए। बस टोनी ने सही लोकेशन दी हो यार, हम लोग काफी दूर आ गए। दोपहर से शाम हो गई है उन्हें ढूंढते ढूंढते। एक मिनट वहाँ कोई तो है जो योगा कर रहा है, जरा पास जाकर देखना चाहिए हमें गाइस। अरे फ्रैंकलिन भैया वो जैकी चैन ही है। क्या बात कर रहा है, तूने देख लिया? मुझे तो यहाँ से शक्ल भी दिखाई नहीं दे रही। अरे मेरी नजर बहुत तेज है। गाइस यार ये तो एकदम सही बोल रहा था, ये जैकी चैन ही है। सर मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। रुक जाओ, हम योगा कर रहे हैं, बस दो मिनट दे दो। अब बोलो तुम्हें क्या मदद चाहिए और तुम्हें यहाँ का एड्रेस दिया किसने? मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था कि मैं यहाँ पर हूँ। अरे वो टोनी ने बताया मुझे। ये टोनी को पता कैसे चल जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ? चलो छोड़ो ये बताओ क्या काम आ गया है। दरअसल मुझे एक चाइनीज मॉन्स्टर से लड़ना है, पर मुझे कुंग फू कराटे के बारे में कुछ भी नहीं पता। या तो आप मुझे सिखा दीजिए, या तो बस ऐसे ही अखाड़े में थोड़ी सी फाइट हो जाए ताकि मुझे थोड़ा आइडिया लग सके कि उससे कैसे उलझना है। बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ट्रेन कर दूंगा, पर पहले तुम्हें योगा करना होगा। अच्छा ठीक है, मैं ठीक से तो कर रहा हूँ ना। हाँ तुम बहुत अच्छा कर रही हो, बस ऐसे ही लगे रहो। इन सब के लिए इंसान का सभ्य होना बहुत जरूरी है, तुम्हें खुद पर कंट्रोल हासिल करना होगा। वैसे एक बात बताओ बच्चे, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अरे मैं तो किंडरगार्टन में हूँ। अच्छा ठीक है, तुम रुको मत, करते रहो। अरे यार कर तो रहा हूँ, कहाँ रुक गया हूँ मैं। चलो दो दिन में तुम बहुत कुछ सीख गए हो, अब एक बार मुझसे फाइट कर लो, तुम्हें थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। मैं तुमसे नॉर्मल तरीके से ही लड़ूंगा, पर जो छोटी छोटी ट्रिक होती है वो तुम्हें देखनी होगी। चलो गाइस टाइम आ गया है। ओहो भाई साहब इनके पंच बहुत तेज पड़ रहे, मैं भी ट्राई करता हूँ। ओहो प्रैक्टिस काम आ रही है गाइस। क्या बचाओ मैं, भाई साहब इन्होंने तो सभी सिखा दिया है, कुंग फू से लेके बॉक्सिंग सब। बस ऐसे ही जितना दम हो लगा दो। अरे अरे बिल्कुल, पर एक बार मौका तो दो। थोड़ा थोड़ा दूर जाना पड़ेगा गाइस, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इनसे तो अभी कौन ही उलझ सकता है। ओ भाई साहब बहुत दम है यार इनमें। ये लो और ये खाओ भाई साहब। चलो गाइस मैंने नॉक तो किया। तुम बहुत अच्छी तरीके से लड़ी हो, मुझे लगता है तुम थोड़े बहुत तैयार हो गए हो। जाओ जाकर उसे सबक सिखाओ, पर ध्यान रखना दुश्मन को कभी भी कम मत समझना। ओके शिनचैन चॉप मेरी बात सुनो, यहाँ से मुझे शायद अकेले ही जाना पड़ सकता है, तो तुम दोनों यहीं पर रहना, थोड़े फोटो वोटो खिंचा लेना, हम लोगों को बताएंगे कि हम किससे मिले थे। अरे हाँ बिल्कुल, ये भी कोई बोलने वाली बात थी। चलो गाइस उसने जो लोकेशन दी थी और जो कैसल बताया था ना, शायद यही वो है। अब
वुल्फ को कहा, ढूंढू मैं, ये जगह तो बहुत ज्यादा बड़ी है यार। ओहो, कोई है यहाँ पर? शायद मुझे आवाज नहीं देनी चाहिए, यहाँ बहुत लोग हो सकते हैं। अबे यार मैं घूमते जा रहा हूँ, कोई मिल ही नहीं रहा है। एक मिनट, यहाँ से आवाज आ रही है। ओ भाई साहब, यहाँ तो लाइन से निंजा खड़े, और जरा देखो तो सही, वो रही वो वुल्फ। फाइनली हमने उसे ढूंढ ही लिया गाइस। बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है, हमें उसे जाके वहां से निकालना होगा। जैकी चैन ने जो सिखाया है वो हमें याद रखना है, दुश्मन को कम नहीं समझना, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और हमें भी अपना पूरा दम लगाना होगा। ए, तुम लोग उसे छोड़ दो, जाने दो, वरना तुम लोगों के लिए बहुत बुरा होगा। मैं इसे यहाँ से लेकर जाने आया हूँ, छोड़ो उसे अभी के अभी। जरा देखो तो सही, कौन आया है? एक जानवर दूसरे जानवर को बचाने। तू तो गया बेटे, आ जाओ तुम्हें बताता हूँ कौन गया कौन नहीं। ये ले, और ये खा। हाँ नहीं तो ये लोग बार बार बच भी जाते गाइस, पर इस बार नहीं। ये लो, इन निंजाओं की तो मैं ऐसी की तैसी। आ जाओ अब दूर हो जाओ। तेरी तो ये ले, क्या निंजा बनेगा रे तू। चलो गाइस, एक दो ही बाकी है, इनको भी निपटा देते हैं। एक ही पंच में दोनों गए भाई साहब। चलो अब जाके उसे बचाते हैं। चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। अब तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा, मैं तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के पास लेकर जाऊंगा, और वो भी एकदम सही सलामत। अब यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट, जरा रुक जाओ। ऐसे कैसे तुम इसे यहाँ से लेकर जाओगे? ये मेरी पेट है, मैं इसे लेकर आया था, और मेरे सिवा इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। एक मिनट, अब कौन है ये और किसकी आवाज है? कहीं ये वही चाइनीज मॉन्स्टर तो नहीं? पर बोल कहाँ से रही है? आवाज आ रही है पर दिखाई नहीं दे रहा। ओ या भाई साहब, अब यार ये तो सच में बहुत पावरफुल है। वो वुल्फ एकदम सही बोल रहा था, रुक जा, तुम बचोगे नहीं। वैसे तुम भी मुझे काफी पसंद आए, तुम मेरे पेट बन सकते हो। अबे छोड़, मैं पालतू नहीं हूँ। भाई इसकी तो मैं इसको तो छोड़ूंगा नहीं गाइस। तेरी तो ये ले, जानवर को तकलीफ पहुंचाता है। हाँ, अब ये खा। आया बड़ा, अब तो इसको मौका ही नहीं देंगे गाइस। हमने भी ट्रेनिंग ली है जैकी चैन से, जया से। भाई साहब क्या पड़ी है इसको, उठना उठना क्या हुआ, हालत खराब हो गई है। और गाइस उसी के साथ मुझे लगता है मैंने इसे हरा दिया। अगली बार ये किसी जानवर को छूने से पहले 10 बार सोचेगा। तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें तो चोट नहीं आई? चलो अभी टाइम हो गया तुम्हें यहाँ से लेकर जाने का। ये लो बुल भैया, दीदी को ले आया हूँ मैं, मतलब के तुम्हारी वाइफ। दीदी तो मेरी हुई, जब तक मैं जानवर हूँ खाली तब तक। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की। मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी तुम ये कर पाओगे या नहीं, पर तुमने कर दिखाया। हाँ वो सब ठीक है, पर अभी मुझे नॉर्मल कर दो यार। अच्छा ठीक है, अभी करता हूँ। ओ गाइस फाइनली हम लोग ठीक हो गए यार, अभी ध्यान रखना कोई और लेकर न जाए। तो गाइस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पर आईडी स्क्रीन पर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अपने अगली वीडियो में। जय हिंद।